हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम सी प्लस प्लस की सीरीज में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर आप कमेंट्स कैसे देते हो और डेटा टाइप के बारे में पढ़कर देखेंगे। तो सबसे पहले आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कमेंट्स किस लिए आप देते हो, अगर आपको अपने प्रोग्राम को एक रीडेबल प्रोग्राम बनाना है, दैट मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट मीन्स आपका हर लाइन के बारे में बताना चाहते हो, आप चाहते हो एक अच्छा सा रीडेबल हो, सो दैट जब आप किसी कंपनी को छोड़ के जाओ और दूसरा प्रोग्राम आ रहा है और जो आपने कोड कर रखा है वो उसको अंडरस्टैंड इजिली अंडरस्टैंड कर पाए और समझ पाए कि आपने क्या करा है, तो आप अपने प्रोग्राम्स को कमेंट करते हो। इवन आप अपने लिए भी करते हो, सो दैट आगे चल के आपको पता चले कि आपने इस लाइन से क्या करना चाहा था या इस लाइन से क्या करना चाहा था, तो आप कमेंट्स करते हो। तो प्रोग्राम कमेंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट कैन इंक्लूड इन सी प्लस प्लस कोड। दिस कमेंट हेल्प एनीवन रीडिंग द सोर्स कोड। ऑल प्रोग्राम लैंग्वेज अलाउ फॉर द सम फॉर्म ऑफ कमेंट्स। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आपको कमेंट्स लिखने के लिए सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस सपोर्ट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप जिस लाइन के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। आपका कंपाइलर इग्नोर करेगा इस लाइन को रीड करने के लिए। देन अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार और इसके बीच में जो भी जितनी भी लाइन्स होंगी स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देंगे। इसके बीच में जितनी भी लाइन्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, मल्टी लाइन्स कमेंट हो जाएंगी। मल्टी लाइन आप कमेंट क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जितना भी लिखा होगा वो सारे क्या होगा, एज अ कमेंट हो जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा आप सी के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर अपने कमेंट्स कैसे देते हो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम कोड कर रहे होते हो तो आपको जो भी डेटा आप स्टोर कराते हो उसको आप किसी भी किसके अंदर स्टोर कराते हो, वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल को आपको बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल जो होगा किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो वेरिएबल क्या है, आपका एक कंटेनर होता है और वो किस में कंटेन होता है, दैट मीन्स वो आपकी मेमोरी में कंटेन करता है वैल्यू को और उसको आप बताते हो वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स आप यूज करते हो। दिस मीन्स व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी मेमोरी में कुछ स्पेस को रिजर्व करते हो। यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप लाइक कैरेक्टर, वाइट कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड बुलियन वैल्यूज बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, कि आप किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड वॉट कैन बी स्टोर इन द रिजर्व मेमोरी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पेस है मेमोरी के अंदर वो क्रिएट करता है और वो बताता है कि किस टाइप का जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी इस वेरिएबल के अंदर। तो बूलियन के अंदर आप जो स्टोर कराते हो वो उसके लिए कीवर्ड आपका क्या है, दैट इज बूल, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स। करेक्टर के लिए आप क्या यूज करते हो, रिजर्व वर्ड क्या है, दैट इज कैर। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो आप क्या यूज करोगे, आई एन टी, दैट इज एंड। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो आपके डेसिमल पॉइंट्स नंबर होते हैं उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फ्लोट। देन डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट मीन्स ज्यादा रेंज के लिए आपको यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, डबल। वैल्यू लेस, दैट मीन्स एम टी के लिए आप यूज करते हो, दैट इज वाइड, दैट इज नो वैल्यू। वाइट करेक्टर, दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू कैर अंडर स्कोर टी, वाइट करेक्टर के लिए आप डब्ल्यू कैर अंडर स्कोर ट्री। और आप एक क्लास और यूज कर सकते हो, वो क्लास है, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास किसके लिए होता है, कि आप स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड करा सको। चलिए जब आप स्ट्रिंग क्लास के बारे में बात करेंगे, जब जब हम स्ट्रिंग्स पे काम करेंगे तो स्ट्रिंग क्लास के बारे में बात करेंगे। अभी हम ये डेटा टाइप्स लिख रहे थे। जब आप ये डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो तो इनकी एक रेंज होती है, एक सर्टेन रेंज तक ये डेटा, दैट मीन्स कितने बाइट्स कंज्यूम करेंगे मेमोरी में और क्या वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हो वो डिपेंड करते हैं। अगर आप कैर के बारे में बात कर दो, मेमोरी वो कितने बाइट्स लेता है, 1 बाइट लेता है, और -127 से लेके +127 या 0 से लेके 255 तक स्टोर कराता है। अब
इनके साथ मॉडिफायर्स भी यूज होते हैं। आपके पास मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, आप डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हो, दैट इज साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर आप अनसाइंड यूज करते हो तो इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज होल्ड नहीं करा सकते, सिर्फ आपकी वैल्यू जो होल्ड होगी वो कहाँ से होगी, दैट इज 0 से लेकर 255 तक। साइन करेक्टर के अंदर क्या होगा, दैट इज आप नेगेटिव वैल्यूज यूज करोगे, दैट इज -127 से लेकर +127 तक। इंटीजर के अंदर अगर आप यूज करते हो तो कितने बाइट्स लेते हैं मेमोरी में, दैट इज 4 बाइट्स लेता है और उसकी जो रेंज है वो ये है। देन अनसाइंड इंट 4 बाइट्स लेता है, उसकी रेंज पॉजिटिव रेंज है। देन आपका शॉर्ट इंट और साइंड इंट, सॉरी आपकी नेगेटिव रेंज है, शॉर्ट इंट आपका क्या लेगा, उसकी रेंज जो रहेगी वो दैट इज 32,786 से लेके पॉजिटिव 32,787 तक रहेगी। देन अनसाइंड शॉर्ट इंट एंड साइन शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट की रेंज आपकी देखिए बढ़ गई है, साइन इंट, ये सारी टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है, ये आप पढ़ सकते हो कि मेमोरी में कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा। और आपको देखना है कौन सा जो डेटा टाइप है कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, तो आप एक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, दैट इज साइज ऑफ। साइज ऑफ आपको बता देगा, अगर आप लिखते हो साइज ऑफ इंट तो ये आपको बता देगा कि मेमोरी में इसने कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा। चलिए इसका आगे प्रोग्राम भी देख लेंगे। ये मैंने प्रोग्राम यहां पर कोड रखा है, तो यहां पर क्या है, हमने क्या करा, आई स्ट्रीम ले लिया, नेम स्पेस क्रिएट कर लिया, मेन फंक्शन स्टार्ट करा, साइज ऑफ कैर, दैट मीन साइज ऑफ कैर ये कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। देन साइज ऑफ इंट, इंट कितने बाइट्स कंज्यूम करता, दैट इज 4 बाइट्स। शॉर्ट इंट कितने यूज कर रहा था, दैट इज 4 बाइट्स। लॉन्ग इंट आपका 4 बाइट्स यूज कर रहा था, फ्लोट शायद आपके 8 बाइट्स यूज कर रहा था या 4 बाइट्स। डब्ल्यू कैर आपके कितने यूज कर रहा था, दैट इज 2 बाइट्स, ये आपको पता चल जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, दैट इज आपको बताता है कि ये डेटा टाइप कितने बाइट्स कंज्यूम क्या करेगा मेमोरी में। एंडल फंक्शन क्या कर, एंडल क्या करता है, एक न्यू लाइन जनरेट कर देता है, दैट मीन्स न्यू लाइन ऑपरेटर है, तो न्यू लाइन करेक्टर है, या तो आप बैक स्लैश एन यूज कर सकते थे इन्वर्टेड में, या आप एंडल यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कोड ब्लॉक के अंदर, तो ओपन कर लेता हूँ मैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर। कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है और आज हमें डे 3 के अंदर, तो हम अपनी डे 3 वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। साइज ऑफ, तो ये आपका प्रोग्राम है, या तो आप F9 प्रेस कर देंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या आप बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको क्या दिखा रहा है, देखिए आपके करेक्टर कितना ले रहा है, दैट इज 1 बाइट। आपका इंटीजर कितना ले रहा है, दैट इज 4 बाइट्स। आपके शॉर्ट इंट कितना ले रहा है, दैट इज 2 बाइट्स। आपका लॉन्ग इंट कितना ले रहा है, दैट इज 4 बाइट। आपका फ्लोट कितना ले रहा है, दैट इज 4 बाइट्स। आपका डबल कितना लेता है, दैट इज 4 बाइट। और आपका डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी कितना लेता है, दैट इज 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू आपको क्या पता चलता है कि आपकी मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है आपका ये डेटा टाइप। तो क्लियर हो गया होगा आपको, चलिए आगे चलते हैं। हर किसी डेटा टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मिनिमम रेंज होती है और एक मैक्सिमम रेंज होती है, तो आपको चेक करना था कि आपकी मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम रेंज क्या है उस डेटा टाइप की। तो यहाँ पर ये एसटीडी वाला पोर्शन काट देना, सी आउट से स्टार्ट करना, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम स्पेस ऑलरेडी ले लिया तो हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। सी आउट इंट मिनिमम एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट, इंट क्या चाहिए आपको, मिनिमम, इंट की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे अनसाइंड इंट की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट प्रिंट हो जाएगी, लॉन्ग की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट प्रिंट हो जाएगी, और देन अनसाइंड लॉन्ग की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट प्रिंट हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं, तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यही प्रोग्राम था आपका, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ बिल्ड में जाएंगे, तो अभी इसके लिए यहाँ पर हमारी आउटपुट विंडो ओपन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था, एक्टिवेट नहीं था,
तो बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड एंड रन कर लेंगे या F9 प्रेस कर देंगे आप। तो अब आपके पास इंट की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आ गई, अनसाइन इंट की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आपके पास आ गई, लॉन्ग इंट की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आ गई, अनसाइन लॉन्ग की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आपके पास आ गई। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपकी डेटा टाइप की डेटा टाइप्स की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट प्रिंट करने के लिए काम में आ रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास एक डेटा टाइप है, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे कि आपका इंट होता है, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, टाइप डेफ, और यहां पर आप क्या लिखोगे, डेटा टाइप, और इसको कोई भी नया नाम दे दोगे। देन आप उस नाम से कोई भी आप प्रोग्राम, दैट मीन्स इंट की जगह आप वो चीज लिखकर आप उसको कंपाइल कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इसको बनाकर। तो आप कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम एक नई फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, सब सेव कर देता हूँ मैं इसको D3 के अंदर ही, और इसका नाम रख देता हूँ tp.c++। तो हमें करना क्या है, हमें ये सारा कुछ हटा दे रहे हैं, मैं लिख देता हूँ टाइप डेफ, और यहां पे लिखता हूं इंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, गुल फॉर्म यूज करेंगे। मैं अब लिखता हूं गुल फॉर्म a=5। अब सपोज जहां मैं गुल फॉर्म लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, गुल फॉर्म इंटीजर है, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 उसकी वैल्यू है। अब मैं लिखता हूं cout a की वैल्यू प्रिंट कर दे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 5 आ जाना चाहिए। बिल्ड के अंदर जाता हूँ, बिल्ड अगेन विंडो ओपन है इसलिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस विंडो को बंद कर दे रहा हूँ, बिल्ड एंड रन। तुम्हारे पास आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दैट इज कॉमा b=10 और सी आउट यहाँ पर लिखता हूँ sum=a+b, और इसको अब दोबारा से एग्जीक्यूट कर दो, बिल्ड में जाता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sum=15 आपका आउटपुट आ गया। अगेन टाइप डेफ क्या कर रहा है, आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप को आप किसी भी नए नाम से क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। इन्यूमरेटेड टाइप्स, अब आपके इन्यूमरेटेड टाइप्स क्या होते हैं, इन्यूमरेटेड टाइप्स डिक्लेयर्स एन ऑप्शनल टाइप्स नेम एंड सेट ऑफ जीरो और मोर आइडेंटिफायर्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ वैल्यू ऑफ टाइप्स nm। क्रिएटिंग इन्यूमरेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ कीवर्ड nm। द जनरल फॉर्म ऑफ इन्यूमरेशन टाइप इज nm, और nm आप लिखेंगे, देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स का नाम दे देंगे। सपोज यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एनम कलर रेड ग्रीन ब्लू, और इसका नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ब्लू हो गई। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम इज 0, द सेकंड नेम इज 1 एंड थर्ड नेम इज 2 एंड सो ऑन, बट यू कैन चेंज द नेम, द गिवन नेम एंड स्पेसिफाई वैल्यू बाय एडिंग द इनिशियलाइजर। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन ग्रीन कैन विल बी हैव अ वैल्यू ऑफ 5। अब जब ग्रीन की वैल्यू ऑफ 5 कर देंगे तो उसके आगे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जो भी उसके आगे होगा वो क्या किससे प्रोसीड करेगा, +1 से प्रोसीड करेगा। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने C++ के अंदर कमेंट्स कैसे आप देते हो वो आपने देखा कि आप कमेंट्स कैसे क्रिएट करते हो। देन आपने डेटा टाइप देखे C++ के अंदर और उसके प्रोग्राम्स कोड कर देखे। देन आपने देखा आप प्रीडिफाइंड डेटा टाइप को, दैट मीन्स जो आपके पहले से बने हुए डेटा टाइप को, उसके नाम कैसे चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स टाइप डेफ आपने यूज कर देखा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो
प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।